माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी। आता शालिनी हुबलीकर ने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल। तर प्लीज सब्सक्राइब करा नागरत्ना फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा। त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा। जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या, ठीक आहे। चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय। हॅलो स्टुडंट्स, हाऊ आर यू ऑल, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चॅनल। आप लोगों का शालिनी हुबलीकर चॅनल में बहुत बहुत स्वागत है। एच स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इंग्लिश मीडियम के लेक्चर का। लीजिए, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर इंग्लिश का जो 1.1 अ टाइम टू बिलीव। वार्मिंग अप। 1. थिंक, चूज एंड फिल अप द लेबल्स विथ व्हाट अ सनराइज सिंबलाइज। अभी सूरज उगना, सूरज उगना यानी क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी है ना। सनराइज को बहुत ही हम लोग अच्छा मानते हैं, तो उसमें से क्या क्या हम लोगों को, ये भी यहाँ पर इन लोगों ने कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो पॉजिटिव वर्ड्स हम लोगों को ढूंढ कर इसमें लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स दे, देखो ज्वेलरी है, आर्ट, होप, बर्थ, एंगर यानी गुस्सा, गुस्सा यानी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये नहीं चाहिए हमें। न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी नए नए जो चांसेस मिलते हैं वो। गुड मैनर्स, इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस, माइजरीड गलत वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है, एंड ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, मनी, न्यू सरप्राइजेस। तो ये इसी में से जो पॉजिटिव वर्ड्स है वही आप लोगों को यहाँ बॉक्सेस में लिखने हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्ट, हो, बर्थ, न्यू अपॉर्चुनिटीज, इंस्पिरेशन, न्यू अचीवमेंट्स, हैप्पीनेस। सब स्पेलिंग ऊपर मिल जाएंगे आप लोग को, हैप्पीनेस, ब्राइट मोमेंट्स, न्यू एम्स, मनी, न्यू सरप्राइजेस एंड गुड मैनर्स। ओके, यही ये सब आपको लिखना है। ओके, टू, एन एक्रोस्टिक इज अ पोएम और अ राइट अप इन विच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन फॉर्म्स अ वर्ड व्हेन इट इज रीड वर्टिकली। अभी एक वर्ड उन्होंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, देखो यहाँ पर है फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, समझे? तो फ्रेंड में से ऐसे कौन से वर्ड्स जो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं? तो एफ आर फेथफुल, रिलायबल, आई फॉर इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग, नोबल एंड डेडिकेटेड, ठीक है ना। इस तरह से वर्ड्स फ्रेंड्स में से इन लोगों ने बनाए। विथ यूअर बेंच मेट यानी आपका बेंच मेट यानी आपके बेंच में, आप बेंच के ऊपर आपके साथ बैठने वाला। ग्रुप कंप्लीट द एक्रोस्टिक ऑफ बिलीव एंड फेथ, ये दो एक्रोस्टिक आपको कंप्लीट करना है। प्लीज नोट दैट द वर्ड्स फ्रेजेस शुड बी मोर और लेस रिलेटेड टू द टॉपिक। यू कैन यूज द थेसोरस। बी सर्टेन ऑफ, अभी वैसे ही आप लोगों को बी लीव में से भी वर्ड्स बनाने हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, बी सर्टेन ऑफ एनर्जी दैट लाइज इन साइड यू एनकरेजिंग विजन ऑफ एवरी एलिमेंट्स। फ्रेंड्स ऑलवेज इंस्पायर टू बी हेल्दी, तो इस तरह से मैंने लिखा हुआ। अगर आपको कुछ और वर्ड सोच रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। ओके, गुड। 1.1 अ टाइम टू बिलीव, यहाँ पर आपको एक पोएट्री दी गई है, तो देखते हैं क्या है इस पोएट्री में। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, तो हमें बिलीव करना चाहिए कि हर दिन
एक नई शुरुआत लेकर आता है। इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन अ ड्री एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। और हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि इस जीवन में चमत्कार होते हैं और हमारे सपने भी सच होते हैं। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स। अभी जब हम लोग बादल में देखते हैं तो बादल में हम लोगों को तरह तरह के शेप्स दिखाई देते हैं, तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं उसमें कि एंजल्स जो है वो लोग बादलों में डांस कर रहे हैं। और कोई कोई क्या करता है, अरे उसमें रैबिट बैठा हुआ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है टॉर्टोइज उड़ रहा है क्लाउड्स में, हॉर्स दिखाई दे रहा है ना। आप लोग को ऐसे अलग अलग इमेजिन करते हैं ना आप लोग क्लाउड्स को देख के। टू नो द वंडर ऑफ द अर्थ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। टू नो द वंडर ऑफ स्टारडस्ट स्काई। अभी स्टारडस्ट स्काई, स्टारडस्ट मीन्स हैविंग अ मैजिकल क्वालिटी। तो आसमान में ये जो भी जादुई चमत्कार होते रहते हैं, मैजिकल क्वालिटीज होते रहते हैं, एंड द विजडम ऑफ मैन इन द मून, यानि टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स। अभी एंजल्स क्लाउड्स में डांस कर रहे हैं ये हम लोग बिलीव कर सकते हैं। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। आसमान में ये जो तारे हैं वो भी एक चमत्कारी है, हम लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं। इंसान में मून के ऊपर भी कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके ऊपर भी हम लोग बिलीव कर सकते हैं। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ द नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, यानी अपने आप में अच्छे संस्कार क्रिएट करना, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं उन लोगों की जो आंखें होती हैं वो बहुत ही इनोसेंट होती है, एंड अ ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। और जो एजिंग हैंड यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों की जो ब्यूटी किसे कहा है, उन लोगों को जो एक्सपीरियंसेस वगैरह आए हुए रहते हैं वो उनकी ब्यूटी होती है, इसके लिए एजिंग हैंड्स की ब्यूटी कहा है इसको। फॉर इट इज थ्रू देयर टचिंग्स वी लर्न टू लव। एक छोटा बच्चा कितना इनोसेंट होता है, एक ओल्ड मैन जो होते हैं, एजेड पर्सन जो होते हैं, उन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और प्यार क्या होता है वो हम लोग इन लोगों से सीखते हैं। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। हम लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ रहता है, एक शक्ति रहती है, एक करेज होता है, एक कुछ कर गुजरने की उम्मीद होती है, आशा होती है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होती है, लेकिन हमें उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा, हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ और करेज है। When it is time to pick up the pieces and begin again, और वक्त आने पर ये जो करेज, ये जो स्ट्रेंथ है उसे हम लोगों को बाहर लाना चाहिए, और जो भी बिखर गया है अपनी लाइफ में, जो टुकड़े हो गए हैं उसको फिर से हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए। टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। अगर हम लोग भरोसा करेंगे ना तो हम लोग कभी भी अपने आप को अकेला नहीं मानेंगे। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। ये जो लाइफ हम लोगों को मिला हुआ है, ये लाइफ
हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी देन है, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, तो उसे हम लोगों को चेरिश करना चाहिए। चेरिश का मतलब क्या है? होल्ड समथिंग एज वेरी डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू। तो जो ये लाइफ की जो गिफ्ट मिली है तो उसे हमें यूटिलाइज करना है, ये गिफ्ट को हमें ज़ाया जाने नहीं देना है, और कभी अपने आप को दुनिया में अकेला नहीं समझना है। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। हम लोगों को हमेशा जो हमारी सोच होती है ना, हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। वी बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। अपनी जो लाइफ है ना, ये लाइफ ऐसे ही रहने वाली नहीं है। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेस रखे हुए हैं, ऐसे ही हम लोगों को मानना चाहिए, ठीक है। सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। वो सरप्राइजेस जो है वो पूरा होने के लिए वेट कर रहे हैं, और वो सरप्राइजेस अगर आप लोग सिर्फ बिलीव करके आराम करके लेट गए तो होने वाले हैं क्या? पूरे नहीं होंगे वो। उसके लिए तुम लोगों को कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। अगर तुम लोग सोचते हैं कि तुम लोग पूरे नेशनल लेवल पे स्कॉलर तुम लोग को डिक्लेयर किया जाए, तो उसके लिए तुम लोग को उस हिसाब से पढ़ाई भी तो करनी चाहिए, तो ही वो वंडरफुल सरप्राइजेस जो है फ्यूचर में तुम्हारा जो ड्रीम पूरा करने के लिए, सपना पूरा करने के लिए है, तो वो वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप मेहनत करो तो ज़रूर आपको मिलेगा सक्सेस। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच, और अपने जो भी सपने हैं, उम्मीदें हैं, वो उसके हम लोग बहुत ही करीब जाएंगे। ये उम्मीद ही हम लोगों को रखना चाहिए, और पॉजिटिवली अगर आप लोग कुछ भी काम करोगे तो 101% उस मुकाम तक आप लोग पहुंच ही जाओगे। इसके लिए हमें हर बात पर क्या है, ओनली वी बिलीव, उसके लिए हम लोगों को क्या रखना जरूरी है, बिलीव रखना जरूरी है, विश्वास रखना जरूरी है, और सिर्फ विश्वास रखने से काम नहीं चलेगा, तो उस मुकाम पर पहुंचने के लिए हम लोगों को सही मायने में मेहनत करनी जरूरी है। फॉरवर्ड किया है या नहीं मेरे चैनल का लिंक, अगर नहीं किया है तो फटाफट फॉरवर्ड कीजिए, और बेल का आइकन टैप करने को लगाइए सब्सक्राइब करने के बाद, तो ही आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जल्दी ही मिलने वाले हैं हम लोग लाइव स्ट्रीम में, ओके। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पोएट्री समझ लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।